स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं इनको स्टडी करते हैं कुछ सॉल्टस ऐसी होती हैं जो कि स्पैरिंगली सोल्यूबल होती हैं या स्लाइटली सोल्यूबल होती हैं इन वाटर उनके लिए स्पेसिफिकली ये टर्म हम यूज़ करते हैं सोलिबिलिटी प्रोडक्ट स्टूडेंट्स जिस तरह हम इक्वेलेब्रम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह हम इस सॉल्युबिलिटी के लिए भी रिएक्शन लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर मेरे पास एक सॉल्ट है दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड इसको हम डालते हैं वाटर के अंदर अब वाटर के अंदर ये स्लाइटली सोल्यूबल है और जब ये सोल्यूबल होता है तो ये अपनी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी कि कैल्शियम अपनी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फ्लोरीन अपनी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है तो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन के अंदर भी सॉल्ट के दरमियान और उसके कॉन्स्टिटूंट आइंस के दरमियान इक्वेलिब्रम एग्जिस्ट कर रहा होता है यानी कि इस कंडीशन को भी हम इक्वेलिब्रम से इक्वेलिब्रम कंडीशन से रेफर कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स ऐसे रिएक्शन के लिए भी हम इक्वेलिब्रम कॉन्स्टेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो कुछ ऐसा होगा आयंस क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो हम न्यूमरेटर में लिख देंगे जबकि रिएक्ट को हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में अब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता ये है कि क्योंकि आपकी जो सॉल्ट है वो स्लाइटली सॉल्यूबल है जिससे हम डील कर रहे हैं तो उसको हम इक्वेलिबरम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में मेंशन नहीं करते क्यों क्योंकि बाय एन लार्ज उसकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द होल डिसोल्यूशन प्रोसेस या थ्रू आउट द होल प्रोसेस तो आप क्या करते हैं कि उसको रिप्लेस कर देते हैं एस पी से इज इक्वल टू सी ए प्लस टू एफ नेगेटिव होल्स के यानी के सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेलिब्रम कंसंट्रेशन ऑफ आयन ईच रेज टू द पार विच इज द कोफिशंट ऑफ द आय इन द बैलेंसड केमिकल इक्वेशन कंसंट्रेशन ऑफ स्लाइटी सोल्यूबल सॉल्ट रिमेन्स कॉन्सटेंट दैट इज वाई इट इज नॉट रिटन इन इक्वेलिब्रम एक्सप्रेशन यानी कि आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में सॉल्ट को मेंशन नहीं कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमें समझ आ गई है, अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की अब ये कैसे रिलेट करती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के साथ इसको हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में तो हम डील कर रहे थे एक सॉल्ट के साथ जो कि डिजॉल्व हो रही है इन वाटर और आयंस जनरेट कर रही है स्टूडेंट्स प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हम उन सोलूशन के साथ डील कर रहे हैं जिनको जब हम ऐड करते हैं तो वो प्रेसिपिटेट्स जनरेट करते हैं और वो प्रेसिपिटेट्स क्यों जनरेट करते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट तो स्टूडेंट्स सबसे पहले एक और टर्म है जिससे हम डील कर रहे होंगे जिसे हम कहते हैं आयन प्रोडक्ट अब स्टूडेंट्स किसी भी रिएक्शन के नतीजे में प्रेसिपिटेशन हो रही है या नहीं हो रही ये प्रोडिक्ट करने के लिए हमें आयन प्रोडक्ट का पता होना ज़रूरी है आयन प्रोडक्ट के साथ साथ के की वैल्यूज जब हम कंपेयर करेंगे तब हम ये थ्रेटिकली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन होगी या प्रेसिपिटेशन नहीं होगी तो क्यों प्राइम स्टूडेंट्स आयन प्रोडक्ट है वेयर अगर हम कैल्शियम फ्लोराइड की टर्म्स में देखें ये इक्वेशन लिख लेते हैं पहले ताकि समझने में आसानी हो स्टूडेंट्स आयन प्रोडक्ट को अगर हम इन द केस ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड लिखें तो कुछ ऐसे लिखेंगे क्यू प्राइम विल बी इक्वल टू द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस होल्स के यानी कि जो आपकी आयनिक प्रोडक्ट है या आयन प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है इनिशियल कंसनट्रेशन के साथ जबकि जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है उसका जो एक्सप्रेशन है वो डील कर रहा होता है इक्वेलिब्रम कंसनट्रेशन के साथ स्टूडेंट्स अगर Q प्राइम की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देट ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट तो इसका मतलब है कि प्रेसिपिटेशन होगी और उसकी डायरेक्ट लॉजिक स्टूडेंट्स ये बनती है कि इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम और फ्लोरीन जब ज़्यादा होंगे तो क्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी यानी कि वो सब्सटेंस उतना ज़्यादा कम सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर इसी तरह स्टूडेंट्स कॉन्वर्सली हम देखेंगे अगर की occur, के की वैल्यू क्यू प्राइम से ज़्यादा है दैन प्रसिपिटेशन विल नॉट अकर यानी कि उससे अपोजिट केस होगा जो हमने डिस्कस किया केस नंबर वन के लिए वेन क्यू प्राइम इज़ ग्रेटर दैन ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर सेवन पॉइंट वन जीरो जो आपको बता रही है सोलिबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज सेवन पॉइंट वन इंटू टेन इज टू पार माइनस सेवन मूलर एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस आपने के एस पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे सिल्वर ब्रोमाइड के लिए यहाँ पर आ जाएगा ए जी प्लस बस ब्रोमाइड आयन और ब्रोमाइड आइन आपके पास जनरेट होगा अब हम के एस पी के लिए कैसे लिखेंगे वैल्यू हम एक्सप्रेशन पहले लिख लेते हैं कोफ़िशियन का कोई यहाँ पे रोल नहीं है तो एज इट इज़ आ जाएंगी आपके पास कंसनट्रेशन एज इट इज़ आ जाएंगी देन आप क्या करेंगे कि इनकी वैल्यूज पुट करेंगे सेवन पॉइंट वन इंटू टेन टू पार माइनस सेवन इंटू आपके पास आ जाएंगी सेवन पॉइंट वन इंटू टेन टू पार माइनस सेवन क्यों क्योंकि उतना ही उतना ही प्रोडक्ट है उतने ही आयंस जनरेट होंगे जितनी कंसन्ट्रेशन हमारे पास सॉल्ट की है एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा फिफ्टी पॉइंट फोर वन इंटू टेन रेस टू पार माइनस फोर्टीन माइनस फोर्टीन तो ये आपके पास के की वैल्यू आ रही